नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। चर्चा करने जा रहा हूं आज कार्मिक अकाउंट की। कार्मिक अकाउंट बहुत सारे लोग इस वर्ड को जानते हैं, समझते हैं। जिनको नहीं पता उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो भी आप अच्छे या बुरे काम करते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या में आपसे शुभ और अशुभ चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उसे एनालिसिस करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी, वो कहीं ना कहीं गणनात्मक दृष्टि से जमा हो रहा है। जिस प्रकार से बैंक अकाउंट काम करता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका कार्मिक अकाउंट भी काम करता है। जब आप कोई शुभ काम करते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए। जब भी कुछ अशुभ काम करते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि उसके अनुपात में पैसे निकाल लिए। भगवान एक थोड़ा सा यहाँ पर मैनिपुलेटिंग एक वर्ड है, एक ऐसा काम करते हैं कि डेबिट कार्ड की जगह आपको क्रेडिट कार्ड देके भेजते हैं। कि आप दोनों में अंतर है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड में पहले आप जमा करें फिर आपको निकालने का मौका मिलेगा, पर क्रेडिट कार्ड में पहले निकाल लीजिए फिर आप जमा कर सकते हैं। तो हमारे आपकी लाइफ में, हमारे हाथ में क्रेडिट कार्ड है, हम निकालते जाते हैं और बहुत सारा लोन कर बैठते हैं अपने ऊपर, उसे जमा नहीं कर पाते। और जब वो हमारे नित्य कार्मिक अकाउंट से पैसे निकलने लगते हैं, यानी वो शुभ कर्म जाने लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं पता है? करते तो हम बहुत कुछ हैं पर उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, कार्मिक फल नहीं मिल रहा है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें फायदा नहीं होता, उतना हमें बेनिफिट नहीं होता। साहब, हो तो उतना ही रहा है, बस वो कटके कहीं और जा रहा है जो आपने पीछे अकाउंट खराब कर रखा था। ऐसी परिस्थिति में जब बहुत ज़्यादा लोन हो जाए तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट या बढ़िया जानकार अकाउंट का वो चीज़ों को हैंडल करके ठीक कर लेता है। सेम वैसा ही काम एस्ट्रोलॉजर करता है। तो कार्मिक अकाउंट आपके प्रत्येक जन्मों का एक जगह इकट्ठा होता है। कार्मिक अकाउंट पर अगर आप कुछ बुरा करते हैं, कुछ आपने बहुत खराब कर्म किए हैं, तो आपके जीवन में बुरे प्रभाव और बुरे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। या इसको साधारण तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, अगर आपके जीवन में निरंतर समस्याएं आ रही हैं, अगर आपको कोई भी दिशा नहीं दिख रही, आप हर तरह से अच्छे होने के बावजूद आपके अपने जीवन में दुख का अंबार लगा हुआ है, तो आप निश्चित तौर पर मान लें कि आपका कार्मिक अकाउंट डिसबैलेंस है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ईजीएस्ट तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आपको करना होगा थोड़े सत्कर्म, थोड़ा धर्म करना होगा। दूध का दान करने से पाप समाप्त होता है, दुग्ध का दान करने से या दूध को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से आपके कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने में बड़ी क्षमता मिलती है। अन्न दान करने से कई जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, गंगा दर्शन करने मात्र से गंगे तप दर्शनात मुक्ति, बहुत जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। किसी कन्या का विवाह में कोई भी प्रकार का सहयोग करने से आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो जाता है। और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, किसी भूखे को भोजन कराने से आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस होता है। यदि आप दुखी हैं, सीधा समझिए, कोई कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं, कोई ग्रह नक्षत्र जानने की आवश्यकता नहीं, सीधा समझें कि ये आपका, वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जो आपने बो रखा है, जो आपने रोपा है, उसी का फल आपको मिल रहा है। तो या तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, या तो हम उस कर्म को भोग के काट लें, नहीं तो उसको हम योग से काट लें। दोनों ही आपके अपने हाथ में है। सत्कर्म करने से आपके बैलेंस ठीक हो जाते हैं और कुंडली देखने से इमिडिएटली पता चलता है कि आपका कार्मिक अकाउंट कैसे ठीक हो सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करें, इनसे आपके कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694।